दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की पांच उन अजीब चीजों के बारे में जो लोगों को समुद्र किनारे मिली। कुछ चीजें तो इतनी अनोखी है जो आपको सरप्राइज कर देगी। मिस्टीरियस ग्रीन बॉल। इन अजीब हरे रंग की बॉल्स को ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीचों पर देखकर लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये चीज है क्या और इन्हें समुद्र किनारे छोड़कर कौन गया। लोगों का मानना है कि ये एक तरह की काई है जो समुद्र की सतह पर घूमकर गोल आकार की बन जाती है और फिर तेज लहरों के साथ बहकर समुद्र किनारे आ जाती है। जाइंट आई। ये बड़ी आंख फ्लोरिडा के पोम्पानो बीच पर मिली, जिसे लैब में रिसर्च के लिए भेज दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार वो आंख किसी बड़ी मछली की हो सकती है। वहीं दूसरों का ये भी मानना था कि ये आंख किसी बड़े क्रेकन की भी हो सकती है। अब सवाल ये था कि आखिर ये आंख उसके शरीर से निकलकर समुद्र किनारे कैसे आई होगी। एयरक्राफ्ट। इस प्लेन को दुर्घटना के 65 साल बाद वेल्स के एक बीच के नजदीक खोजा गया, जो वर्ल्ड वार टू की सबसे दुर्लभ खोज थी। 1942 में वार के दौरान इस प्लेन के इंजन में खराबी की वजह से ये बीच के नजदीक आकर गिर गया, जिसे पहली बार एक परिवार ने खोजा जो समुद्र किनारे छुट्टियां मना रहा था। स्ट्रेंज मॉन्स्टर। दो बच्चे अनेस्थेसिया आइलैंड पर खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब और बड़ी चीज दिखाई दी। उन्होंने उसे वेल समझकर लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उनके पास उसे उठाकर ले जाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इसकी फोटो खींचकर लैब में रिसर्च के लिए भेज दिया। फिर भी उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बस उनका ये मानना था कि ये एक बड़ा ऑक्टोपस हो सकता है। हार्ले डेविडसन। साल 2012 में एक कैनेडियन को समुद्र किनारे एक बाइक मिली, जो 2004 में सुनामी के दौरान समुद्र में बह गई थी, जिसके ऊपर जापानीज नंबर प्लेट थी। हालांकि उसका मालिक कभी नहीं मिला, शायद वो सुनामी से नहीं बच पाया होगा, जिसे बाद में एक म्यूजियम में संभाल कर रख दिया गया। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में कई घंटे लगे, लेकिन आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा, इसीलिए जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दे और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।